चांद पर जाने का रूस का सपना चकनाचूर। लूना 25 चांद पर हुआ क्रैश। चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुंचने के रूस के सपने को एक बड़ा झटका लगा है। उसका स्पेस क्राफ्ट लूना 25 चांद की सतह पर क्रैश हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर लूना 25 के क्रैश होने की वजह क्या है, रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस से कहां पर गलती हुई है। 47 साल बाद रूस के मिशन मून को एक बड़ा झटका लगा है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस के लूना 25 में तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके कुछ घंटे के बाद ही खबर आई कि ये चांद की सतह पर क्रैश हो गया है। लूना 25 में एक खराबी लैंडिंग से पहले ऑर्बिट बदलते वक्त हुई है। लूना 25 की लैंडिंग 21 अगस्त को होनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के बाद अब ये क्रैश हो गया है। शुरुआती जांच के अनुसार लूना 25 असली पैरामीटर से अलग चला गया था, तय ऑर्बिट की बजाय दूसरी ऑर्बिट में चला गया जहां पर उसे नहीं जाना चाहिए था। इसी वजह से वो सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर क्रैश हो गया। रूस ने करीब 47 साल के बाद चांद पर कोई मिशन भेजा था, लेकिन उसका 5 दशक पुराना सपना अब वापस एक बार फिर से सपना ही रह गया है। लूना 25 को 11 अगस्त की सुबह 4:40 पर अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग सोयूज 2.1 भी रॉकेट से की थी। इसे लूना ग्लोब मिशन भी कहते हैं। 1976 के लूना 24 मिशन के बाद से आज तक रूस का कोई भी यान चांद की ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा है। रूस का प्लान था कि 21 या 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर उतरेगा। इसका लैंडर चांद की सतह पर 18 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद लैंडिंग शुरू करेगा और 15 किलोमीटर ऊंचाई कम करने के बाद 3 किलोमीटर की ऊंचाई से पैसिव डिसेंट होगा। यान धीरे धीरे लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। 700 मीटर ऊंचाई से थ्रस्टर्स तेजी से ऑन होंगी ताकि इसकी गति को धीमा कर सके और 20 मीटर की ऊंचाई पर इंजन धीमी गति से चलेंगे ताकि ये लैंड हो पाए। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर साल भर काम करने के मकसद से गया था। वजन इसका 1.8 टन था। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र लगे थे। एक यंत्र ऐसा भी था जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करता ताकि जमे हुए पानी की खोज आसानी से हो सके। अब भारत के चंद्रयान 3 से पूरी दुनिया को ही चमत्कार की उम्मीद है। अब दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इसरो की तरफ निगाहें हैं। शनिवार रात 2 बजे चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम में दूसरी बार डी बूस्टिंग की गई है। इस डी बूस्टिंग के बाद अब विक्रम लैंडर चंद्रमा की धरती के और करीब पहुंच चुका है। इस वक्त लैंडर विक्रम चंद्रमा की कक्षा के सबसे पास 25 किलोमीटर की दूरी पर और सबसे दूर 134 किलोमीटर की दूरी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को लगभग शाम 6:04 पर चांद पर उतरने के लिए तैयार है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है।